आज अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप सब? अल्लाह पाक से दुआ करते हूँ आप सब खुश रहे, अच्छे रहे। और वेलकम टू सबीना बेगम लाइफस्टाइल ब्लॉग। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। और आज मैं बना रही हूँ बुलबुले और मैं आपको उसकी रेसिपी बताऊंगी और बनाऊंगी कड्डी और पूड़ी। देखिए मैं ले रही हूँ गाय, देखिए मैं ले रही हूँ एक कटोरी आटा बुलबुले के लिए। ये मैंने आटा ले लिया, ये बहुत है, मैं थोड़ा सा कम खाते हैं। मैं चीनी गला दूंगी एक कटोरी, थोड़ी कम रखूंगी उसमें, एक कटोरी आटा है तो चीनी थोड़ी कम लेंगी मैं। ये देखिए ये चीनी लेंगी, इसमें इनको पानी में भी भिगो दूंगी मैं। गाय देखिए मैं एक कटोरी पानी डाल इसमें और ये चीनी भिगो दूंगी मैं, इसको आधे घंटे के लिए रख दूंगी। ये चीनी भीग जाएंगी ना, तब मैं इनका बुलबुले का गोल बनाऊंगी, तब तक के लिए रख देती हूँ इनको। देखिए और गाय देखिए इधर हमारी चाय बन रही है, ये देखिए आप। दोनों की चाहिए, उसके पापा तो आज शादी भी गए हैं, इसलिए हम दोनों ही पियेंगे आज। और हमारी चाय तैयार हो चुकी है, मैं चाय पीऊंगी फिर बाद में खाना बनाऊंगी, खाने की तैयारी करूंगी, बाद में आपको बताऊंगी मैं कैसे क्या बनाना है। सब तक पीएंगे चाय, देखूंगी कोकरा काट लूंगी, बुलबुले में डालूंगी मैं तो इनको मिक्स में पी लूंगी ना, आपको दिखाऊंगी। और उनका घोल बना के रख दूंगी एक घंटे, मतलब से हो जाएगा सॉफ्ट से फूल जाएगा आटा, कोबरा डालने से मस्त बनते हैं अच्छे बुलबुले। देखिए आप बनते हैं गाय जी, देखिए चीनी भी इच्छी थी अच्छे से, देखो आप इसको मैं छान लूंगी, इसमें छान के इनको गोल बना लूंगी थोड़ा थोड़ा करके। मैंने एक कटोरी आटा लिया था भून के और चीनी ली थी एक कटोरी थोड़ी कम, और गाइस देखिए ये कप, एक कप दूध है इसमें डाल रही हूँ, एक कप दूध लेते हैं और ये कोक है। आप बना के अपने घर पे ट्राई करना जरूर, बच्चे बन के गए। और इसमें कम रहेगा पानी तो मैं और डालूंगी इसमें, गाइस देखिए मैं इसको जब कर रहा हूं थोड़ी सी इसमें चीनी बची हुई है, अच्छे से मैं गोल बना लूंगी इसका, उसमें मसूरी वसूरी बिल्कुल भी नहीं रहेगी। और एक घंटा इसको भिगो के रख दूंगी मैं, फिर देखना आप कैसे मस्त बनते खाते रह जाएंगे आपको। यहाँ से उनको दबा दबा के गोल करना पड़ता है, गाय देखिए मैंने थोड़ा छोटा रख लिया है। देखिए अच्छा हो चुका है गोल,
और मैं इसको घोल के इसमें निकाल दूंगी। गाइस मैं इसे निकाल लूंगी ये घोल। आधा घंटा इसको छोड़ दूंगी मैं। गाइस इसलिए निकाल रही हूँ कि किनोर वाली है ना, इसमें हाथ कर रही हूँ करने के लिए, हाथ मिल जाता है ना काम नहीं किया इसमें पूछ रही थी। और इतना चौड़ा ये भी है, ज्यादा बड़ा है इसलिए। ताले की गिट्टी कितने की दे रहे हो? एक गिट्टी दे दो, खट्टी बनाऊंगी। बढ़िया वाली देना, बढ़िया वाली देना। ये वो आइसक्रीम खाएंगे इस कदर का। पालक की गड्डी 10 रुपए की। गाइस मैंने पालक की गड्डी ले आई, देख लो आप। आपको दिखाने के लिए गई थी मैं लेने के लिए। वो सीढ़ी से थक जाती हूँ मैं, चढ़ती चढ़ती दो सीढ़ी चढ़ती हूँ। और आज हम बनाने जा रहे हैं पालक की गड्डी। गाइस पालक लेके आई थी एक गड्डी 10 रुपए की, गड्डी बनाऊंगी। ज्यादा पालक नहीं डालती मैं, एक ही गड्डी डालती हूँ। मेरा होगा आधा किलो शायद, पाव भर होगा पालक। एक गड्डी पता नहीं कितनी आती है, आधे किलो आती है पता नहीं मुझे। और आज ये निकल के इसको पीछे दे देते हैं आप। और मैंने आपको दिखाई दिया सब्जी मंडी मार्केट, जितने में मैंने बना पाई इतने बना के दिखा दिया मैंने आपको। मेरे लोग देख लें ना गाइस, जो गलती है देख लेना। और पालक और गड्डी बनाऊंगी उनकी आज। पालक मैंने बीन लिया है, अच्छी तरह साफ कर लिया है, इनको धोने के लिए आती हूँ मैं। धोने जा रही हूँ, अच्छे से धो लूंगी इनको। देखिए आप, मैं पालक की कटिंग कर रही हूँ, पालक की कड्डी बनाने जा रही हूँ आज मैं। और आप देखने कैसी भाई कैसी चटपटी कड्डी बनाती हूँ, आप ट्राई जरूर करना। देखिए राज ने पालक की कटिंग कर ली है, तैयारी कर दूँ मसाला वसाला पीसने की। आप मैं मसाला तैयार कर रही हूँ, इसमें मिक्सी में पीस लेंगे। ये प्याज, एक प्याज और लहसुन, इनको मैंने पानी में डाल दिया। धनिया पाउडर लेंगे मैं। ये देखिए गाइस, 1 चम्मच हल्दी पाउडर ले रही हूँ।
इसमें डालूंगी थोड़ा। मसाला तैयार हो चुका है। मैंने ना तो गैस पे पतीली चढ़ा दी और इसमें डाल दूंगी ये तेल, डाल दूंगी तेल 2 चम्मच। मसाला सही बन जाता है। आप ये है जीरा, वो तेल गरम हो चुका है, मैं जीरा डाल रही हूँ इसमें। देखिए गाइस, मैंने बेसन डाले थे भगोनी में और ये थोड़ा सा ही ज़्यादा नहीं तो पूरा डालूंगी बेसन को। देखिए आप आधा पाव ये आधा पाव बेसन है और ये है छाछ, इसमें मिला लूंगी बेसन में। अच्छे से सही से गाइस, मैं आपको मसाला चला के दिखाती हूँ। मसाला पक चुका है और इसमें पालक पक जाएगा और पालक डालूंगी, पालक डाल के अच्छे से फ्राई कर लूंगी। Thank you.
पकने देते हैं अच्छे से। ये देखिए गाइस मसाला पक चुका है अच्छे से, और देखिए आप तेल आ गया है इसमें साइडों में। देखिए आप हमें डाल दूंगी ये छाछ और बेसन का घोल। पानी से जब खोल के डाल रही हूँ, इसको चलाती रहूंगी वरना फट जाएगी ये खड्डी। इसको चलाते जब तक वो काल नहीं आएगा तब तक चलाती रहूंगी मैं गाइस। देखिए गाइस खड्डी लानी है तो मैं चलाती रहूंगी काल आएगा तब तक। देखिए खड्डी में काल आ चुका है तो मैं ना इसको पकने देती हूँ, छोड़ देती हूँ आप पकने के लिए, और तब तक मैं आटा तैयार कर लेती हूँ, आटा लगा लेती हूँ, आटा लगा लेती हूँ तब तक मैं। देखिए गाइस ये आटा है, नमक डाल दूँ आटे में, पूरी का आटा गूंद रही हूँ। गाइस जब भी कोई भी काम करो बिस्मिल्लाह से शुरू करो, बस बिस्मिल्लाह पढ़ के बिस्मिल्लाह में बहुत बरकत होती है। मैं आटा तैयार कर लेती हूँ तब तक, तो इसको थोड़ा कड़क गूंदना है आटा, मतलब पूरी के हिसाब से नरम आटे की पूरी नहीं बनती। गाइस देखिए मेरा आटा गूंद चुका है, इसको अच्छे से गुटों में लगा लूंगी मैं, और गुलगुले का आटा तो मेरा घोल तैयार है गाइस। गुलगुले का आटा मतलब घोल कर मुझे एक घंटा हो गया, वो अच्छे से बढ़िया से घोल चुका है। आज गाइस बुधवार है और हमारा मन किया कड्डी पूड़ी खाने का, तो हमने कड्डी पूड़ी तैयार कर ली। हम शादी में जाते शादी में नहीं गए, सोचा घर भी बना के खा लेंगे थे आज, और आपको भी दिखा देते हैं। तो आज कद्दू पूड़ी और गुलगुले बना रही हूँ मैं, तो गाइस आप भी खाइए। गाइस देखिए अब मैं इनके ना लोई बना लेती हूँ, पूड़ी बनाऊंगी ना उसकी लोई बना लेती हूँ, लोई बना के रख लेती हूँ बिस्मिल्लाह, छोटे छोटे लोई बना लूंगी मैं। तेल गरम होने के लिए गरम होने तेल को तब तक में बनाती जाऊंगी।
गाइस देखिए ये मैंने पूरे से बना के तैयार कर लिए है। थोड़ी बहुत तो मैं निकाल लूँगी, देखती हूँ टेस्ट करती हूँ उसको, तेल गर्म होगा कि नहीं। गाइस तेल गर्म हो चुका है, थोड़ी को निकाल लूँगी मैं। गाइस देखिए कैसी फूली फूली बन रही है पूरी, कितनी अच्छी है, कैसी फूल रही है। आप भी जरूर ट्राई करना है। और मैं इनको निकाल लूंगी गाइस, ये हो चुकी है। ये देखिए गाइस इसमें क्या है, ऐसे मैं इनको सबको निकाल के चल जाऊंगी। देखिए बढ़िया सीख रही है दोनों तरफ से, कितनी बादाम निकाल के बिल्कुल भी थी। देखिए गाइस कितना अच्छा हो चुका है ये गोल, कितना सॉफ्ट एक घंटा हो चुका है इस गोल को। और मैं इसके घुगले बना लूँगी, निकाल लूँगी तेल में। देखिए बिस्मिल्लाह जितने कढ़ाई में जिसमें तेल में आई है उतने में डाल दी हूँ। देखिए गाइस गुलगुले कैसे फूल रहे हैं, देखिए आपको दिख रहे होंगे ना शायद, देखिए होंगे कैसे फूल रहे हैं। देखिए गाइस मस्त बन रहे, देखिए गाइस बन चुके हैं ये, ब्राउन कलर हो चुके हैं इनको, बढ़िया से अच्छे से सीख चुके हैं। और ये देखिए मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ कैसे फूले फूले बुलबुले बन रहे हैं। ये देखिए आप करारे करारे, ठीक
अच्छे से मस्त। इसे फूले फूले बन गए गाइस। गाइस कैसे फूल गए, फूल भी देखिए, आप देखिए कैसे फूले फूले बन रहे हैं। देखिए गाइस कैसे फूल चुके हैं और फूल फूल के ऊपर आ गए, नीचे भी नहीं जा रहे, बिल्कुल उधर पलटा में जा रहे, सब फूल चुके। देखिए आप कैसे फूले फूले बन रहे हैं, कितने मस्त, कितने करारे करारे अच्छे से। तो गाइस आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी, देखिए आप फूल रहे भी नहीं आ रहे। देखिए फूले फूले बने, देखिए गाइस कैसे फूली फूली बन रही है, आप देखिए। गाइस कटी बनकर तैयार हो चुकी है, मैं डाल दूंगा हरा धनिया कटा हुआ, देखिए आप। इतनी मस्त कटी बनी है, देखिए आप। और आपका घर भी भाई कैसे बनी है, अच्छी है लगी, अच्छी लगी हो मेरी रेसिपी तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। गाइस देखिए कितनी मस्त हो, देखिए कड्डी बिल्कुल चटपटी कड्डी है, बिल्कुल भी मस्त बन रही है। और एक गुलगुले देखिए आप, बिल्कुल जैसे दे रही है कैसे फूल रहे, कैसे देखिए कैसे फूल फूल गए, देखिए आप कितने मस्त गुलगुले बन रहे। आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी, अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करना, प्लीज शेयर करना, सब्सक्राइब करना। और आप देखिए पूरी और गुलगुले और कटी, ये हमारी रेसिपी आज की, और खा कर दिखाएगी। कल मिलूंगी मैं, कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़। गाइस देखिए तोड़ के दिखाती हूँ मैं आपको, देखिए कितने मस्त बन रहे हैं फूले फूले, बिल्कुल मस्त। गाइस बनकर
तैयार हो चुकी है हमारी पूरी पूरी, सब खाना वाना सब कड़ी पूरी सब बन चुके, सब तैयार हो चुके। देखिए आप,